व्हाट्स अप? ओ ब्रो, आज तो आ पार्टी जा, बनती है ब्रो। क्या लेके आया तू? अरे तेरे लिए थोड़ा वोडका लगा, वो पागल, ब्रो। वोडका नहीं पसंद है ना मेरे को। अरे यार तूने अच्छा बोला था। ठीक है, अच्छा ठीक है, ले ले। वैसे क्या कर रहा है, पॉर्न देख रहा है क्या? नहीं बे, फेसबुक है। झूठ मत बोल साले, अरे फेसबुक था भाई, पॉर्न देख रहा है तू? फेसबुक है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है चल, जाना पैक बनाना, हाँ जल्दी एक करा। सेकेंड। ये ले, थैंक्स ब्रो, चीयर्स। चीयर्स। यार वोडका क्यों लाया, विस्की लाता। बट एक्चुअली बहुत अच्छा जुगाड़ किया, एक और जुगाड़ हो जाता तो बहुत अच्छा होता। क्या तेरी आंटी का, गर्लफ्रेंड है? अरे यार बहुत पैसे खर्च होते हैं, और ऊपर से ऐसा लगता है कि मैं उसको ट्यूशन देता हूँ। और मैंने रियलाइज कर लिया है कि बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ मतलब ये रिसर्च है मेरा, आई एम नॉट किडिंग, रिसर्च है कि वो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होते हैं और जल्दी आ भी जाते हैं, इजीली होता है। पागलपन है यार। क्या क्यों? बेटा जिस दिन से एक सर पे चढ़ गया ना, उस दिन रिश्तेदार भी देखो नंगे नजर आएंगे। पता है बात देखो, पागल है क्या? मतलब तू ही सोच, सिगरेट के बाद नेक्स्ट लेवल क्या होता है? जॉइंट। लड़कियों के बाद नेक्स्ट लेवल क्या होता है? एक्सपीरियंस, मजा है। वो कॉन्फिडेंट हो रहा है ब्रो, तू जिस दिन फंस गया ना लंबा अंदर जाएगा। अरे यार तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, छोड़ ना यार। मोक्ष, मैं निकलता हूँ यार। सुनना, ये लेके जा भाई, वरना मैं फंस जाऊंगा। चल फिर मिलते हैं, कल मिलता हूँ यार, बाय। बाय ब्रो। हेलो मोक्ष, सो रही थी क्या? हाँ मैम, वो थोड़ी आंख लग गई थी असाइनमेंट करते करते। अच्छा सुनो, कल हम लोग दोपहर तक आ रहे हैं, और फ्रिज में खाना रखा हो गरम करके खा लेना, और किसी अनजान आदमी को घर में मत लेना, है ना? और ध्यान रखना, दरवाजा अच्छे से बंद करना। हाँ मैम, बाय। ओके मैम, बाय। हेलो, डॉक्टर संजय हैं? डॉक्टर संजय हैं? तो डैड तो घर पे नहीं है, वो बाहर गए, कल शाम को आएंगे। ओह गॉड, व्हाट शुड आई डू नाउ? एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू कॉल हिम बट नॉट एबल टू गेट थ्रू, एंड इट्स वेरी अर्जेंट। आपके पास उनका कोई इमरजेंसी नंबर होगा? हाँ
हाँ है, वो आप कौन से नंबर पर फ़ोन कर रहे थे? वो मैं उनके वही क्लिनिक का नंबर ट्राई कर रही थी, पर वहाँ पे कोई आंसर ही नहीं कर रहा था, तो मैं क्लिनिक गई तो मुझे यहाँ का एड्रेस मिला। तो आप प्लीज़ उनसे एक बार बात करा दीजिए, इट्स रियली अर्जेंट। आप मैं फ़ोन कर लेता हूँ, इफ यू डोंट माइंड कमिंग इन। थैंक यू। जी वो डॉक्टर साहब का नंबर, वो एक्चुअली मेरा फ़ोन ऊपर है। मैं आप प्लीज़ बैठिए ना, मैं फ़ोन लेके आता हूँ। नंबर 9820280882। नंबर तो कवरेज एरिया ही में नहीं है। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लूँगी। मैं एक बार फ़ोन कर लेता हूँ। अरे नहीं, मुझे उनका नंबर मिल गया ना, मैं ट्राई कर लूँगी थोड़ा रुक के। वो एक्चुअली क्या है कि डॉक्टर साहब के साथ मेरी लैब के लिए उनकी एक रिक्वायरमेंट थी, तो इसीलिए मेरा उनके साथ अग्रीमेंट होना था, और वो मुझे कल ही सबमिट करना है। मैं भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना, डॉक्यूमेंट पर साइन लेना भूल गई, तो वही लेने आई थी। ओ डैड तो कल आएंगे। एक्चुअली मुझे पता नहीं था डील क्लोज हो जाती तो अच्छा रहता, इसीलिए मैं क्लिनिक से भाग भाग के आई, पर रास्ते में इतनी बारिश हो रही थी कि मैं पूरी भीग गई। अब मैं आपको टाल देता हूँ। थैंक यू। वो टाल, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। बाहर इतनी बारिश हो रही है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। सॉरी। नो इट्स ओके। मुझे लगा आज मेरा काम हो जाएगा, पर माय बैड लक, ना डॉक्टर साहब घर पे हैं, ना डील क्लोज होगी। अब देखो कब वो आते हैं और कब मैं अपना काम फिनिश करती हूँ। वैसे मैं तुम्हारा नाम तो पूछना ही भूल गई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वो मोक्ष दे दिया। किसे दे दिया, कहाँ दे दिया? हाँ? वो तुम्हारा नाम है ना मोक्ष दे दिया, तो किसे मोक्ष दे दिया? ओके, देखो
कैसे सूखूं, मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ। हाँ, आपको आई थिंक कपड़े ही उतारने होंगे। क्या? नहीं, नो, मेरा मतलब है कि आप मेरे मॉम के कपड़े पहन सकते हो, तब तक तक ये आप कपड़े उतार के आयरन कर करने के लिए। मैं आयरन कर दूंगा इसको। नहीं जोक हाँ? अच्छा ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ। इधर? हाँ ये प्लीज। ओके। मोक्ष, सॉरी वो मैं कुछ सोच रहा था। ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं होती है मोक्ष, क्योंकि सोच ही जज्बात बन जाते हैं, और जज्बात अल्फाज, अल्फाज फिर हरकत बन जाती है, फिर हरकत आदत, इसलिए ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है। तो आप अपने ये डैड के कपड़े पहन लिए? हाँ, वो एक्चुअली क्या है, मुझे लगा साड़ी बस थोड़ी देर में सूख जाएगी तो मैं इसे ही पहन के निकल जाऊँगी, और वैसे भी आई नो वुमन, उनके कपड़े और लफड़े पे नज़र डालोगे ना तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा, और तुमने मुझे वैसे ही बहुत हेल्प किया है, मैं तुम्हें और प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती, यू आर अ वेरी गुड बॉय, इसीलिए मैंने ये पहन लिया, और ये साड़ी सूख जाएगी मैं यही पहन लूंगी, ठीक किया ना मैंने? हाँ सही है। क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही? अरे नहीं नहीं, आप तो बहुत खूबसूरत, मतलब अब आप एज इन बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ अच्छा, हाँ। ये साड़ी कितनी देर में सूख जाएगी? लो ना प्लीज, मुझे निकलना होगा। ये तो बहुत ही गीली है। हाँ बहुत ज्यादा, तो मुझे ऊपर वाले कमरे में इसको सुखाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कितना टाइम लगेगा? पता नहीं, 10-15 मिनट। 10 मिनट? 10 मिनट इतना टाइम तो है मेरे पास। मैं वहाँ बैठूँ? प्लीज प्लीज, मैं ही सुखा देता हूँ। आपके कपड़े तो अभी सूख रहे,
आप तब तक कुछ लेंगे, चाय, कॉफी, जूस? अरे नहीं नहीं मोक्ष, ठीक है, तुमने ऐसी मेरे लिए इतनी मेहनत कर दी, आओ बैठो ना। अरे नहीं आप बताओ ना, आप जूस पीते हो? नहीं प्लीज सिट, नो। आप जूस पियोगे? हाँ। ये जूस। थैंक यू, लेट्स टेक सेल्फी, दिस इज जूस टाइम। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मुझे सेल्फी लेने की बहुत आदत है तो इसलिए मैं सेल्फी लेने लग गई। अरे नहीं नहीं इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, एक्चुअली मुझे भी काफ़ी आदत है, मेरे फ्रेंड्स मुझे सेल्फी किंग कहते हैं। हाँ सो आई अंडरस्टैंड, तो आओ फिर साथ में एक सेल्फी लेते हैं। ओके आओ। थैंक यू। अच्छी फोटोज आई है नहीं? हाँ इस फोटो में तुम कितने अच्छे लग रहे हो। बाय द वे थैंक यू फॉर दिस जूस। माय प्लेजर। तुम्हारे बारे में तो कुछ मैंने पूछा ही नहीं, क्या करते तुम? आई मीन क्या पसंद है तुम्हें, तुम्हारी हॉबीज या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताओ। गर्लफ्रेंड तो अभी नहीं है, पहले थी, ब्रेकअप हो गया। शर्मा रहे हो, बताओ ना मुझे, अपने ही फ्रेंड समझो। अरे नहीं सच्ची में अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पहले थी, वो ब्रेकअप हो गया, अभी कोई नहीं है। टूटा हुआ दिल, वैसे तुम्हारी और मेरी खूब जमेगी। और कैसे हुआ ब्रेकअप, प्यार ज्यादा हो गया या कम हो गया? अरे अब छोड़ो ना, ऐसा कुछ नहीं, अब भूल जाओ उसको, अब जूस पियो, अब जूस पियो। सॉरी 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 सॉरी। आई थिंक मोक्ष मुझे निकलना चाहिए।
मोक्ष गलत हो रहा है। मोक्ष गलत हो रहा है। आप ही ने कहा था ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, सोच जज्बात बन जाते हैं, जज्बात अल्फाज, अल्फाज हरकत बन जाती है और हरकत आदत। मेरी सोच जज्बात बन चुकी है, मेरे जज्बात अल्फाज बन रहे हैं, अल्फाज अब हरकत बनना चाहती है और फिर देखते हैं क्या ये हरकत आदत बनती है। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा आप जल्दी कर सकते हैं, मेरे को एक एक्चुअली टेंशन है, मेरे पेरेंट्स आ जाएंगे। अरे वाह, रात को जान जानू से डायरेक्ट आप। एनीवे आदत है मेरे को। वो भाई बेबी भाभी जो भी रिलेशन है हम बाद में बना सकते हैं ना, अभी थोड़ा आप जल्दी कीजिएगा तो। अरे हाँ जा रही हूँ, पहले फ्रेश तो होने दे। चल एक काम कर, पहले चाय पिला। अब चाय तो बाहर भी पी सकते ना, मुझे एक्चुअली स्ट्रेस हो जाएंगे, मेरे पेरेंट्स आ जाएंगे। प्लीज ए चल, ज्यादा बोल बच्चन मत दिखा, ओवर एक्टिंग कर रहा है क्या? कल ही तो बोला था तेरे पेरेंट्स कल शाम को आएंगे, सब याद रहता मेरे को। चल जा पहले चाय बना, उसके बाद कहीं जाऊंगी मैं। एक्सक्यूज मी, तो मैं आपके लिए फटाफट से चाय बनाता हूँ, आप बस प्लीज ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, फ्रेश हो जाना और जल्दी नीचे आ जाना, मैं फटाफट अब भी चाय बनाता हूँ। आपकी आपकी चाय रेडी है। घूर क्या रहा है, फिर से मूड हो रहा है क्या? वो चाय गर्म है, आप पी लो। चाय तो मैं पी लूंगी।
तो तुझे इतने कम टाइम में पता चल गया कि मुझे कड़क और गर्म चीज पसंद है ना? अच्छा एक काम कर, मेरे पैसे निकाल और मैं चली जाती हूँ, ठीक है? पैसे? कौन से पैसे? कोई भी अच्छी चीज सस्ते में नहीं मिलती। तो मेरे 20,000 रुपए निकाल, मैं आराम से चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगी, ठीक है? 20,000? ये कौन सी, मुझे कोई आइडिया नहीं, अब क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ हेलो, ये बच्चा पंती ना मेरे सामने नहीं चलेगी, तो ये छोटा बन के मुझे तो मत दिखा। मेरे पैसे मुझे अभी के अभी चाहिए, तू कहीं से भी ला, तू अपनी मम्मी की अलमारी से लेके आ, पड़ोसी से ला, या तू भीख मांग, मुझे मेरे पैसे चाहिए। नहीं तो मैं काम करती हूँ, शाम तक तेरे मम्मी पापा के आने का वेट करती हूँ। हाय रब्बा, कमर में दर्द कर दिया तूने। पैसे दे वरना तेरे मम्मी डैडी से लेके जाऊंगी। अब क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हो कौन? मैं कौन हूं? मैं जो भी हूं तुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अब पैसे लाके दे, देर हो रही है। पैसे ला, नहीं तो तेरी वो फोटोज, वो वीडियोज बोलते यूट्यूब पे अपलोड करूं। कौन सा वीडियो, कैसा वीडियो? वही वीडियोस जो रात को तेरे साउंड इफेक्ट के साथ मैंने रिकॉर्ड किए। करूं? ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप क्यों कर रहे हो ये सब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कहां, 20,000 रुपए मैं कहां से लाके दूंगा, मैं एक बच्चा हूं मैं। अब बस जस्ट लीव, अब निकल जाए यहां से प्लीज। मैं मुझे माफ कर दीजिए, जस्ट लीव। हो गई बातें, पैसे जा, शाम हो रही है। पैसे, मेरे पैसे दे दो।
20,000 का चेक है, आप लीजिए और आप निकले। मेरे माथे पे सी लिखा है, हाँ? चेक नहीं चाहिए मुझे, कैश चाहिए कैश। बाउंस हो गया तो ये? तेरे घर के कब तक चक्कर काटती रहूंगी मैं? ये पकड़ और कैश लाके दे, उसके बाद ही हिलूंगी यहाँ से मैं। ये क्या फालतू गिरी है? दे रहे हो ना चेक, ले लो ना। फालतू गिरी दिखाऊं? दिखाऊं फालतू गिरी? बैंक जाके आता हूँ, कैश निकाल के आता हूँ। जल्दी आना, शाम हो रही है। ये लो और आप प्लीज चले जाइए। पूरे 20,000 है ना? सीरियसली? चल ट्रस्ट किया, नहीं गिनती, जा बाय। अभी मैं निकलती हूँ। एक सेकंड, पहले आप वो वीडियो डिलीट करो। ठीक है, तू भी क्या याद करेगा, तेरा वीडियो डिलीट। हाँ प्लीज जाऊं। जाते जाते एक हाक तो ले ले। बाय बाय। क्या मेरे शेर, अरे यार तू तो छा गया यार, स्मार्टफोन में और भी ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे। और तेरी आवाज, वाह कैसी आवाज थी। आता हूँ भाई तेरे घर पे ऑटोग्राफ लेने और एक सेल्फी भी ले लेंगे। आज तो पार्टी बनती है ब्रो। क्या लेके आया तू?
अरे तेरे लिए थोड़ा वॉडका ला यार, वो पागल वॉडका नहीं पसंद है ना मेरे को। अरे यार तूने बोला था। अच्छा ठीक है ले ले। वैसे क्या कर रहा है, पॉर्न देख रहा है क्या? नहीं भाई फेसबुक है। झूठ मत। अरे फेसबुक था भाई, पॉर्न देख रहा है। फेसबुक है मैं बोल रहा हूँ। की फोटो डाउनलोड की ना इसने, अभी इसकी लाइफ से इसकी फोटो डिलीट कर देता हूं मैं। Thank you.